नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर कथित तौर पर कांग्रेस पार्षद कोमल सेना द्वारा 25,000 रुपए लेने के मामले में पार्षद के खिलाफ FIR दर्ज न होने से जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को नगर बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि भाजपा के नगर बंद को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा समर्थन नहीं दिया गया, बावजूद इसके मंगलवार सुबह से ही भाजपाई नगर बंद को सफल कराने सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेता व प्रवक्ता केदार कश्यप सहित 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर नगरनार थाने ले जाया गया। वहीं निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे एवं नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता व दर्जन भर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बंडाजी थाने ले आया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप पुलिस पर लगाया है। गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच गहमा गहमी बनी रही। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? 22 दिन होने के बाद भी मुख्यमंत्री के जो वादा है उसको पूरा नहीं कर पाए, और जो हम लोग बड़े उसके साथ में सविनय के साथ में हम लोगों ने कहते हैं लोगों से अपील की थी, तो हमारे लोगों को यहां लाकर के बंदी बनाया गया है बिना कोई कारण के। जिला प्रशासन पूरी तरीके से रीढ़ के हड्डी के बगैर साबित हो चुका है इस पूरे मामले में। मैं आज के इस पूरे उसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर बंदी हुए हैं उनकी ओर से कांग्रेस की ये सरकार को चेताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन पीड़ितों के साथ में है, उस अन्याय के साथ में है। कांग्रेस सरकार कितनी भी अन्याय कर ले, कितनी जोर जबरदस्ती कर ले, कितनी ही हमारे ऊपर में दमनपूर्वक कार्रवाई कर ले, लेकिन हमारा कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। लगातार लोगों को न्याय दिलाने के लिए, चाहे हमको कारावास कराना पड़े, हमको जिस स्तर पे भी सजा हो उसके लिए भुगतने को तैयार है। तो सभी वरिष्ठ जन हमारे चैम्बर की कार्यकारिणी ने इसको एक स्वर से सर्वसम्मति से इसको अस्वीकार किया, और सभी आम नागरिक और सभी व्यापारी बंधुओं से अपील की कि आप अपने अपने प्रतिष्ठान खोलें हमेशा की तरह, और आपको शासन प्रशासन का पूर्वतः पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा, और आप अपना स्वतंत्र रूप से व्यापार का निर्वहन करें। साथ ही जांच कमेटी, और इनसे हमने आग्रह किया है कलेक्टर साहब और SP साहब, IG साहब से, कि इस मुद्दे में जांच करके शीघ्र ही शीघ्र अगर वो पीड़ित हैं, अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उनका भी समाधान करके त्वरित निर्णय करें। आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि तत्काल उनको छोड़ा जाए, और मैं हमारे वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ श्रीनिवास मिश्रा जी, राजेश जी, रिंकू जी, अन्य सभी लोग उपस्थित हैं। ये विषय अब थमने वाला नहीं है। हमारा नेतृत्व तो पूरी तरीके से इस घटना पर ध्यान रखे हुए, जैसा नेतृत्व का आदेश होगा इस घटना को और आगे ले जाएंगे। जो तंबू जो है वो हाँ, पता चला है कि वहाँ का तंबू उखाड़ दिया गया, हमारा जनरेटर था, कुर्सियाँ थी, वो सारी जो है वो पुलिस प्रशासन ने जब्त की है, ये पता चला है। और सीधे सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन जो काम कर रहा है ये घोर निंदनीय है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और इस टाइप का पहली बार बस्तर के इतिहास में पहली बार आज पूरे शहर को छावनी बना के रखा गया है। व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, छोटे छोटे ठेले वालों को धमकाया जा रहा है कि खोलो तुम, कोई डरने की बात नहीं है। हम किसको डरा रहे हैं? हम किसी को नहीं डरा रहे। इसकी पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार भ्रमण कर गई है, सभी राजपत्रित अधिकारी के साथ साथ जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में इसमें नज़र बनाए हुए हैं और भ्रमण कर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सर, जैसे भाजपा के बड़े पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई जी, कुछ बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जैसे पूर्व मंत्री जी हैं और कुछ अन्य भी पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। बताया गया है कि यहाँ धरना स्थल जो है, जो निर्धारित धरना स्थल पर आप अपना इसोसिप कर लें, यहाँ कोई निर्धारित जगह स्थल नहीं है, तो उनको सूचना देके उसको वहाँ से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वहाँ से हटाया गया।